वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि 3 मार्च 2020 को टेंडर होने वाला है, टेंडर ओपन होगा और ये पता चलेगा कि यूपीपीसीएल में TG2 की वैकेंसी कब तक आएगी और इसको कौन कंडक्ट कराएगा। तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस दोबारा से शुरू होने वाली हैं। लाइव क्लासेस से रिलेटेड पोस्ट मैंने कम्युनिटी पर शेयर कर दिया है, तो आप लोग में से जिन लोगों ने ना पढ़ा हो उसको जाके पढ़ लें और टाइम शेड्यूल देख लें। बहुत ही जल्द आपको डेट बता दी जाएगी कि किस डेट से जो आपकी क्लासेस हैं वो दोबारा से चालू होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग सपोर्ट करेंगे और जो लाइव क्लासेस है उसका जो मकसद है फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, उसको आप लोग सफल बनाएंगे। बात करें अगर कि यूपीपीसीएल में जो टेंडर होना था तो 3 मार्च को काफ़ी लोगों का मैसेज आया और मुझसे पूछ रहे थे कि टेंडर का क्या हुआ सर, किसको टेंडर मिला, कौन सी कंपनी कराएगी या कब एग्जाम होगा। तो इसीलिए आपको ये वीडियो बना करके अपडेट दे रहा हूँ। बात करें अगर कि यूपीपीसीएल में टेंडर होगा हुआ तो किसको मिला, तो इससे रिलेटेड एक नोटिस आया है, तो उस नोटिस को आप लोग जरूर पढ़िएगा और उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये आपके सामने एक नोटिस है, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऊपर आप लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा है पत्रांक संख्या 372/4/2019-20, डेट पड़ी है 3/3/2020 शुद्धि पत्र। इस कार्यालय की ई निविदा सूचना संख्या 4/ आपके सामने लिखा हुआ है डिटेल्स, जिनमें निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि 2/3/2020 को शाम 4 बजे तक एवं निविदा खुलने की तिथि 3/2/2020 को 4 बजे तक निर्धारित है को अपरिहार्य कारणवश निम्नवत विस्तारित किया जाता है। निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय दिनांक 12/3/2020 को शाम 4 बजे तक, निविदा खुलने की तिथि एवं समय 13/3/2020 को शाम 4 बजे। ये भी सूचित किया जाता है कि निविदा की वाणिज्यिक एवं तकनीकी शर्तों में कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं है, अतः निविदा के सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी। निविदा खुलने की तिथि पर अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जाएगी। निविदा अभिलेख ई टेंडर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि जो टेंडर की डेट्स है वो आगे बढ़ गई है, वो किन्हीं कारणवश उनको आगे बढ़ा दिया गया है। अब जो लास्ट डेट है टेंडर सबमिट करने की वो आपकी 12 मार्च है और जो टेंडर ओपनिंग डेट है वो आपकी 13 मार्च है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेंडर नहीं होगा, टेंडर किसी कारणवश आगे शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि टेंडर में होने की वजह से थोड़ी वैकेंसीज में देरी हो सकती है, लेकिन वैकेंसी आएगी ऐसा मेरा पूरा मानना है और बहुत ही जल्द आपको अपडेट दिया जाएगा जब टेंडर ओपन होगा कि किसको ये टेंडर मिला है और कौन सी कंपनी टेंडर के तहत एग्जाम कराएगी और कितनी वैकेंसीज के लिए टेंडर हुआ है। तो अब तक आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो आपको लग रहा है कि कब तक वैकेंसी आ सकती है उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइव क्लास से रिलेटेड अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो आप कम्युनिटी पर जाकर जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि लाइव क्लास जब भी स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।